अहम खबर के साथ, बदायूं में दो बच्चों की हत्या और फिर आरोपी के एनकाउंटर के बाद इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि बीजेपी यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की ही घटना है। भाजपा जब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद धार्मिक लड़ाई ही भाजपा का आखिरी हथियार बचा है। तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, सोशल साइट एक्स के जरिए तमाम तरीके से हमले बोले। बदायूं की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। अभी हाल ही में दो बच्चों की हत्या से सनसनी फैल गई है। बदायूं की घटना इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। एनकाउंटर के बाद हुए मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि बीजेपी यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है। तो बदायूं मामले पर सियासत लगातार देखी जा रही है, घटना पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि देर रात दो छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई थी और एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया था, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि हत्या किस वजह से की गई ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन अब इस घटना ने सियासी रंग लेना भी शुरू कर दिया है। जमकर एक दूसरे पर हमले बोले।